भोरस उपमंडल के तहत पड़ने वाले गांव लड़वी पट्टा में जमीनी मामले में हुए मारपीट को लेकर जगदीश चंद के साथ एक दर्जन ग्रामीणों ने डीसी हमीरपुर से न्याय की गुहार लगाई है। जगदीश चंद का आरोप है कि गांव में अपनी जमीन से लोगों को सड़क दी है, लेकिन गांव वालों ने 7 अगस्त को एसटीओ भोरस के साथ कुछ पुलिस कर्मी आए और मारपीट की। जगदीश चंद का कहना है कि मारपीट में मेरी पत्नी व्यासा देवी को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे हमीरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया है। उन्होंने कहा कि 2 कनाल 16 मरले भूमि है, लेकिन जमीन को खराब कर दिया है, जिस कारण खेतों की सफाई तक नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जो लोग मेरी जमीन पर इस तरह के काम करने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस मौके पर महिला मंडल प्रधान रीता कुमारी, मंजुबाला, निशा, लीला देवी, प्रोमिला देवी, पिंकी, रोजी, सपना भी मौजूद रही। डीसी हमीरपुर ने प्रतिनिधि मंडल की बात को ध्यान से सुना और जल्द ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मैं डीसी साहब से लगा हूँ कि मैंने रोड को बाईपास इटारे में गांव को रोड दिया है और उसके ऊपर जो बतान है दिनेश सिंह, वो हमारे ऊपर हैवी होकर रहता है, धमकियाँ देता है हमारे को कि मेरी सत्ता में सरकार है, मैं जो चाहूँगा वो कर लेंगे, आप थाने पे भी एप्लीकेशन दें, उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। और मेरी जना औरत को औरतों ने सभी औरतों ने पीटा है, मारा, पुरुष देखती रही, पुरुष ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना मेरी औरत को छुड़वाया है, ना कोई लेडीज पुरुष थी, जो सारा गांव इकट्ठा होकर मेरी औरत के ऊपर पड़ गया सारे। तो अभी मेरी औरत जो है पहले से मरीज है, अभी तो चल नहीं सकती है, तो इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, मारी इसको, खतरा जान को खतरा पड़ा है पूरे परिवार को। आपने डी साहब से मिले क्या कहा? उन्होंने बोला कि हम इंजेक्शन लेंगे, डी साहब को मिला कि अभी फौरन इंजेक्शन ले लिया, तो ऐसा है जल्द से जल्दी मेरी सुनवाई की जाए। और मैंने पेमेंट जमीन ली है, मेरे घरवाली के नाम पर है और मेरे ऊपर, तो जबरदस्ती नीचे भी मेरी जमीन है, ऊपर भी मेरी जमीन है, और PWD को ला कर इन्होंने रातों रात डंगे दुआए थे, ना मेरा कोई एफिडेविट है ना कुछ। तो 2 कनाल 16 मरले जमीन जो है मेरी दोनों के नाम पर है, और सभी गांव के आदमी जो हैं वो एक पार्टी बना रखी है, औरतों की भी बना रखी है, औरत को खेतों में जाने के लिए भी वो जा नहीं सकती है, खेत में भी अपने पशु को घास नहीं ला सकती, मेरे बच्चे जो हैं वो दुकानों में नहीं जा सकते, उसको बोलते हैं कि हम लेडीज बोलते हैं हम कपड़े ला कर इसके ऊपर केस बनवा देंगे, तो इस करके हमारी सुनवाई की जाए, हमारे ऊपर बहुत खतरा है, और कल को मेरे परिवार के ऊपर कोई वारदात हो जाती है तो गवर्नमेंट ही हिमाचल गवर्नमेंट ही यही इसकी जिम्मेवार होगी।